हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो आइसक्रीम। इसके लिए मैंने मैंगो को छील कर इसके अंदर के गुदे को निकाल लिया सारे। अब इसको मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसमें साथ में डाल देंगे हम ये 4 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। अब ये साथ में डाल देंगे 4 चम्मच चीनी। अब ये 2 चम्मच के करीब घर की फ्रेश मलाई है, इसको भी डाल दिया। अब ये 4-5 चम्मच करीब दूध। अब इन सबको अच्छे से मिक्सर में इसको पीस लेंगे। देखिए सारे मिक्स हो गए, बढ़िया सा ब्लेंड हो गई। अब इसको आपको जिसमें भी आइसक्रीम जमाना है उसमें आप इसको सारे डाल दीजिएगा। देखिए इस तरह से सारे आप इसमें डाल के इसको टैप कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर जो एयर बबल हो वो सारे निकल जाए, सेट हो जाए। अब चम्मच की सहायता से इसको मिला लीजिए अच्छे से। अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे आइसक्रीम के छोटे छोटे आम के छोटे छोटे पीस। इस तरह से आइसक्रीम खाते समय ये आम के पीसेस बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना बढ़िया से हमने डाल दिया। अब इसको फॉइल पेपर से कवर करके इसको ढक्कन लगाकर इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 7-8 घंटा हो गया है। अब इसको देखिए कितना बढ़िया जम गया, इसको हम निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया आइसक्रीम हमारे जम गया, घर की टेस्टी सा यम्मी सा घर का बना हुआ हेल्दी। बच्चे तो देखते टूट पड़ेंगे, बहुत पसंद करते मेरे बच्चे इसे। देखिए गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा आइसक्रीम, ये कितना बढ़िया जम गया ये। अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिख लीजिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा ये वाले आइसक्रीम, झटपट बनती है। धन्यवाद दोस्तों।